धमतरी कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे थे। इस दौरान संगठन में पूछ परख नहीं होने की बात को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी जमकर भड़ास निकाली। साथ ही आरोप लगाया कि धमतरी में कुछ नेताओं के कारण यहां पार्टी खत्म होने की कगार पर है। वही हंगामा बढ़ता देख दीपक बैज ने नाराज कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत कराया और इस मामले में उनसे अलग से बात करने की भी बात कही। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी में कुछ लोगों की मनमानी के चलते पार्टी को नुकसान हो रहा है, जिसका नतीजा धमतरी विधायक चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। बहरहाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, हम सभी के साथ बैठ कर बात करेंगे। देखिए, बैठक में आपस में घर में बैठे हो सके किसी का विचार से सहमत नहीं हो सकता है, लेकिन इसको हंगामा या इसको इस तरह के नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा है अगर कोई बात है मैं अलग से चर्चा करूंगा। अब देखिए, मैंने कहा कुछ इस बात पे कोई सहमत हो सकते हैं, असहमति हो सकती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है कार्यकर्ताओं में। हम पार्टी प्रमुख है, घर के अंदर की बात है, हम सुनेंगे सबकी बात। पांच साल में जो कार्यकर्ताओं का कुछ फर्क नहीं हुआ और जो 40 वार्ड में हम हारे उसकी तकलीफ थी और इसी का हमारा विरोध था। बस मनमानी कर रहे थे, आप कहाँ से मनमानी करेंगे, बहुत कर डाले 5 साल मनमानी, कोई सुनाई नहीं थी कहीं भी।